अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मुझे उम्मीद है आप सब लोग रमज़ान जो है वो अच्छे से गुजार रहे होंगे, सब कुछ गुड चल रहा होगा। और इरादा बन रहा था कि कुछ करें, स्टडी के लिए कुछ नहीं था और काम पे भी कुछ नहीं, किसी ने नहीं जाना था। मैंने मलिक साहब से पूछा, मलिक साहब ने हसनैन साहब से पूछा, हसनैन साहब और मलिक साहब सब लोगों ने प्लान बना के आज हमारा प्लान बन रहा है। कहाँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आलगढ़। वो क्या चीज़ है? अभी हम पहुंच गए हैं सानस ट्रेन स्टेशन पे। ट्रेन स्टेशन बिल्कुल सामने है, हमारा पहला ट्रांजिट जो है यहाँ से है। अभी बस का वेट करना पड़ेगा। जी मलिक साहब, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अभी तक का? मैं भी यहाँ पे दो तीन दफ़ा आया हूँ, आप बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा? मेरे एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा फाइनली जो है एक घंटे की स्ट्रगल के बाद दो बसेस को जो है हमने चेंज किया है। पहली बस हमने मादला क्रॉसिंग से, जिसने हमें ट्रांजिट दिया है भैया सानस में हमने ऑलमोस्ट 10 मिनट का वेट किया। अगली बस 23 नंबर हम पकड़ के सीधा सानस स्टेशन से अलगाड़ में आ गए। नॉर्वे में मोस्टली जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो आजकल रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है। और मुख्तलिफ जगह पे नॉर्वे में ऑनशोर विंड टर्बाइंस लगी हुई हैं और ऑफशोर भी विंड टर्बाइन की डेवलपमेंट हो रही है। और नॉर्वे जो है ऑलमोस्ट 2020 में उन्होंने 405 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो विंड टर्बाइन से जनरेट की थी।